फाइबर लगती है उसको, ये वो कोयल है, इसमें पानी वानी कुछ नहीं करते और आग भी नहीं होता है। उसको ये टपलां की तरह होती है कोयल, उसको कोई खतरा वतरा नहीं लगता है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होगा कमल का कि हमें सोचना है कस्टमर की कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें पूरा ध्यान देना है उसको कमल पर, कोई वोल्टेज ना हो, कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक्चुअली होता है, ये हीटिंग ब्लैंकेट होता है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ज़्यादा कश्मीर में यूज़ होता है क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होता है। यहाँ माइनस होता है, देखिए आजकल माइनस स्टार्ट हो गया यहाँ पे, आज मेरे ख्याल से -3 आया आज। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक अच्छा चीज़ है, ये फिजियोथेरेपी का काम भी देते हैं। ज़्यादा ये यहाँ यूज़ करते हैं बुज़ुर्ग लोग, बुज़ुर्ग के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को बहुत ठंड लगता है। पहले यहाँ यूज़ करते थे कांगड़ी, कश्मीरी कांगड़ी, जिसमें कोयला डालता था, लेकिन अब लेटेस्ट ज़माना आया है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। अब ये हीटिंग ब्लैंकेट है, इसको बिजली में लगाना पड़ता है। ये बिस्तर में मैट्रेस पे डालते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल सा शीट कोई भी डालते हैं। इसमें फिर ऑप्शन होता है हाई पे रखने से ये ब्लैंकेट पूरा गर्म होता है। अगर इंसान को ज़्यादा गर्म हो गया, इस पर दूसरा ऑप्शन है, इस पर इंसान लोभ भी कर सकता है। अगर इंसान चाहे मैं खाली पैरों साइड गर्म करूँ, इस पर तीसरा ऑप्शन है फुट पे रखना है। अगर इंसान चाहे मैं खाली शोल्डर साइड गर्म करूँ, इस पर चौथा ऑप्शन है वो फुट टॉप पे रख सकता है। तो कितना डिमांड रहता है खासकर विंटर्स में? इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की डिमांड बहुत अच्छी रहती है विंटर्स में। जी जी। देखिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट काफ़ी सारे यूज़ होती है कश्मीर में। आपने देखा पिछले कई दिनों से सर्दी में शिद्दत हो रही है। अब इस सर्दी की शिद्दत से हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक बेस्ट ऑप्शन है। हम ट्रेडिशनली कांगड़ी लेते थे, लेकिन कांगड़ी में आपको पता ही कितनी जो खतरा आता है हमारे लिए। अब इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, हमें एडवांस भी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से बात करेंगे, हमें उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए। ब्लैंकेट वारंटी